आप सचिन के क्या लगते हैं? मैं उसको चाचा अंकल लगता हूँ। अंकल लगते हैं। तो आप अब क्या कहना चाहोगे, जो सचिन है वो घर पे है या नहीं? नहीं, इस वक्त तो घर पे नहीं है, उसकी तबीयत खराब है और सीमा की तबीयत खराब है, आंखों में जलन। वो कहाँ गए हुए? आंखों में जलन हुई, इसी बात की पता नहीं है। एटीस उसे कहाँ लेके गई है, हम कोई बता के नहीं गई है। बता के नहीं गई आपको? नहीं। तो आप अंकल जी, आप मीडिया से कितने परेशान हो? नहीं, मीडिया से इतने परेशान है, 27 दिन हो गए, लेके 6 बजे आ जाते हैं और 11 बजे तक रहते हैं। तो अंकल जी, आप इन्होंने भी तो सच्चाई दिखानी होती है। क्या मामला? नहीं, खान देते नहीं, पीन देते नहीं, सोन देते नहीं, खाना भी नहीं बनता जी 1-1 बजे तक हमारे। तो अंकल जी, एक बात बताओ, देखो सचिन को जैसे मीडिया की, मीडिया ने जब इंटरव्यू लिए तभी इनको जाना गया है, और आप बोल रहे हो कि मीडिया जैसे तंग कर रही है, वो कर रही है, वरना कौन जानता था सचिन कौन है सीमा? नहीं, मीडिया जो मिर्च मसाला लगा का काम कर रही है नहीं, के यहाँ से लेके कुछ और रिपोर्ट करके वहाँ जाकर जब स्टूडियो में बैठ जाते हैं तो मिर्च मसाला लगा लगा कर मीडिया को। किस प्रकार का मसाला लगाते हैं? यही कि सचिन को थप्पड़ मारा, सचिन को जहर दे दिया सीमा ने, ऐसे देते हैं। अंकल देखो, ऐसे तो क्या पता लिखते भी हो, लेकिन अंदर तो सही सच्चाई होती ना सारे की सारी। वो तो सच्चाई तो अंदर है ही, लेकिन मीडिया वालों ने परेशान कर रखे हैं ज्यादा। कितने दिन से आ रही मीडिया ये पर? हो गया आज इसके 24 दिन हो गए। 24 दिन हो गए? 24 दिन हो गए। और इस मामले को कितना टाइम हो गया? तकरीबन 28 दिन करीब। 28 दिन। कितने बजे पहुंच जाते हैं सुबह मीडिया यहाँ? सुबह मीडिया आ जाती है 6:30 और रात को 11-11 बजे तक रहती है। तो अंकल एक बात बताइए, जब शुरू में जैसे मीडिया ने ये चीज उठाई तो इनको जानने लगे, और जब ये वायरल हो चुकी हैं, वायरल हो गई है, इन्होंने खुद का शायद चैनल भी बना लिया है, तो अब क्या है, अब क्यों नहीं आ रही है कैमरे के सामने? कैमरे के सामने अभी परसों दिया था, 130 इंटरव्यू दिए हैं उसने, परसों दिए थे, उसकी तबीयत ठीक थी। 130 इंटरव्यू दिए, कागज कॉपी में लिखे हुए हैं, जैसे TV9 ने 3 बार लेगा एक दिन में, जी न्यूज 2 बार लेगा एक दिन में, उसके 130 चैनल को दिया है इंटरव्यू, ज्यादा परेशान है उसकी। तब अभी आप क्या चाहते हो, मीडिया अभी थोड़ा आराम करे, इस मामले को ना दिखाया जाता? हाँ जी, मैं इसी बात को रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया ज्यादा नहीं आए, और जो होगा वो अदालत करेगी। तो अंकल जी, ऐसा तो नहीं है कि जैसे सीमा और सचिन ने चैनल बना लिया और वो अब वीडियो बना रहे हो ताकि वो अब मीडिया के सामने ना आए, और वो अपना वीडियो बना के प्रोफेशनल करना चाहते हो? भाई साहब, उनके पास कोई फोन ही नहीं है। अच्छा, नहीं कोई फोन है, नहीं किसी मिलन देते, नहीं फोन कर सकती, नहीं कोई उनके उसे फोन से, कोई किसी के फोन से करवा सकता बात। अच्छा, ये उसके पास कोई नहीं। तो चैनल बनाया हुआ है सीमा और सचिन के नाम से, वो मतलब फेक है या इन्होंने बनाया? जी, ये इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, ये बोलती है कि मेरे नाम से और भी कई चैनल बना रखे हैं किसी ने। नहीं, सीमा ने खुद बोला है कि ये मेरा चैनल है। नहीं, सीमा का होगा, लेकिन औरों भी तो फेक चैनल बना रखे हैं उन्होंने। औरों ने मतलब ऐसे फेक बना रखे हैं, बाकी सीमा ने बोला है। ये बताइए, अब जो सीमा और सचिन आप बोल रहे हैं उनकी तबीयत खराब है, तो हम बोल सकते हैं कहीं अपनी रिश्तेदारी में गई हुई या हॉस्पिटल में गई हुई है? इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, पुलिस कहाँ ले गई? बता के नहीं गए? नहीं, बता के नहीं जाती हमें। कौन लेगा? पुलिस प्रशासन लेगा? पुलिस प्रशासन लेगी। अच्छा, कब लेके गई है? सुबह लेके गई है। सुबह लेके गई है, कितने बजे? 7:30 बजे करीब। ATS की टीम थी, वही लेके गई है। हमें तो ये पता नहीं ATS क्या हो, गांव की पुलिस कौन सी हो, हमें ये पता है कि जीप में गई है। सीमा सचिन को देखने के लिए बाहर से भी कोई वैसे आता है बगैर मीडिया के? नहीं, बगैर मीडिया को काफी जो जनसंख्या है, जो आसपास के क्षेत्रों की पब्लिक वो आती है। तो जो इतनी दूर से आते हैं, जैसे अपना किराया भी लगा के आते हैं, और उन्हें चाहत होती है, कोई मतलब वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि हम इनके फैन हो चुके हैं, हम इनसे मिलना है, इतनी दूर से आने के बावजूद वो वापस चले जाते हैं, तो इसमें क्या कहना है आपका कि देखो इतनी दूर से लोग आते हैं, भाड़ा किराया लेके लगा करके आते हैं और फिर परेशान होकर चले जाते हैं, तो ऐसे हक नहीं बनता भाई थोड़ा, मतलब वो उनको बोल दे कि इंतजार कर लो या फिर आप उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लो? नहीं, इसमें आपको बताऊं, ये सुरक्षा कर्मी नहीं मिल देते उसको, उसके पास में सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उन्हीं की कस्टडी में, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो कहेंगे मिला देते हैं, और नहीं कहेंगे तो बिल्कुल कोई नहीं मिलता उससे, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है उसके पास रहते हैं, जो ATS का हुए हैं बोलते हैं, वही ले जाते हैं। ठीक है।